नमस्कार जनप्रिय, मैं स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं मिस इज इंडिया। 1 नवंबर को हाल ही में जो ब्यूटी पेजेंट संपन्न हुआ और उसकी विनर हमारे साथ में है नीतू भट्ट जी। नीतू जी, आपका जनप्रिय बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये 1 in 1 million एक टाइटल है, एक बैनर है, उसके माध्यम से उनका जो ब्यूटी पेजेंट है वो जीता है इन्होंने। नीतू जी, एक मेरा सवाल होगा यहाँ पे, बहुत सारे बैनर्स हैं जो ब्यूटी पेजेंट्स करा रहे हैं मिसेज इंडिया को लेकर के ही, क्योंकि हर बार सुनते हैं कि 2-3 महीने में कोई ना कोई एक ब्यूटी पेजेंट हो ही जाता है, तो इसका कैसे पता लगे कि कौन सा टाइटल कब किसके लिए है या ऑथराइज्ड, क्योंकि उस पर सवाल उठते हैं। देखिए योगेन जी, मैंने जो टाइटल जीता है मिसेज इंडिया 1 in a million, ये पेजेंट जो है ये रजिस्टर्ड पेजेंट है और इनके जो डायरेक्टर्स हैं प्रशांत चौधरी जी हैं, स्वाति दीक्षित जी। तो आप कोई भी पेजेंट चुनते हैं तो आप पहले तो ये देखिए कि पेजेंट कितना उसके जो डायरेक्टर्स हैं और रजिस्टर्ड है कि नहीं है, पहले तो आप ये देखिए। और दूसरा रहा कि बहुत सारे पेजेंट हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मिसेज इंडिया के नाम से अभी हमारी कंट्री में टोटल बहुत सारे पेजेंट्स नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, 5-6 पेजेंट्स हैं। एंड अगर आपको कोई चुनना है तो आप ये देखिए कि आपको कितना एक्सपोजर दे रहे हैं, आपको आफ्टर विनिंग आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप लाइफ में क्या करना चाह रहे हो। अगर आपको वो चीज़ सेटिस्फाई कर रही है अगर उस पेजेंट से, देन यू अप्लाई। अदरवाइज आप कोई भी पेजेंट में अप्लाई मत कीजिए। आप पेजेंट को देख के, उसको समझ के, उसकी आप अगर आप सर्च करते हैं, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है गूगल से कि ये पेजेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है और कितना पुराना है, इनके साथ कौन से लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज होती है आप लोगों की जुड़ाव से भी इस चीज को जान सकते हैं कि पेजेंट कैसा है, इसका पता कैसे लगे कि कौन ठीक है नहीं है। देखिए अगर आप पेजेंट को देखते हैं, अगर मैं आप सपोज कोई नामी ग्रामीण हस्ती है जैसे आदित्य गोवेदकर जी इसकी ज्यूरी मेंबर थे, तो एक बात समझ आती है कि कोई भी इंसान किसी भी अपनी रेपुटेशन को के लिए ही काम करता है। और अगर कोई इंसान उसका ज्यूरी मेंबर है तो और ये बात समझ आती है कि वो पेजेंट अच्छा ही होगा, नहीं तो उसने कोई ऐसे ही ज्यूरी मेंबर नहीं बनने के लिए हाँ करेगा। तो अदिति जी उसकी ज्यूरी मेंबर थी और भी काफी बॉलीवुड के जो रिनाउंड लोग थे उसके साथ एसोसिएटेड थे, कपिल जी थे और कोरियोग्राफर्स थे हमारे काफी सारे, तो अजय बिष्ट जी थे हमारे साथ, रजत कोहली सर थे, काफी लोग रिनाउंड जो बॉलीवुड से हैं जो उनके साथ एसोसिएटेड थे। तो अगर आपने कभी भी कोई पेजेंट चुनना है, अगर आप ये देखते हैं कि उनके साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं और उनका जो काम है, उनकी जो मॉडल्स हैं, उनको आगे क्या एक्सपोजर मिल रहा है, यही नहीं कि विनिंग होगी उसके बाद हम घर पे बैठ गए, ये नहीं, उनकी मॉडल को एक्सपोजर भी मिलता है। तो आई थिंक इन सारी चीजों से आप जज कर सकते हो कि पेजेंट कितना रिलायबल है। अब बात आती है कि इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे और प्लेटफॉर्म क्या होता है, रूट लाइन जिस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की होती है वो क्या है। देखिए मिस इंडिया के बारे में तो सारे लोग अब जानते हैं कि मिस इंडिया पेजेंट होते हैं और अभी उसकी हाइट का क्राइटेरिया भी कम हो गया। मिसेज इंडिया पेजेंट है क्योंकि कई गर्ल्स हैं या लेडीज हैं जो पहले नहीं अपनी शादी से पहले अपना ड्रीम नहीं पूरा कर पाती हैं और फिर कंटिन्यू करना चाहती हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां आप अपना ड्रीम पूरा कर पाते हो। तो इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर आप करना चाहते हो, पहले तो आप में पैशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे करना है। अगर आपको ड्रीम है और वो पैशन है, आप राइट प्लेटफॉर्म चूज करिए, उसके बाद अपने आप को रजिस्टर कराइए। यस, ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी। टोटल हम लोग जैसे उसमें 40 पार्टिसिपेंट्स थे थ्रू ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री थे, एंड मेनी ऑफ अस वर डॉक्टर्स, लॉयर्स, कॉर्पोरेट एंटरप्रेनर्स एंड मेनी पीपल वर देयर। सो अगर इतने सारे लोग उसमें रजिस्टर कर रहे हैं, आप उसमें रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आप अपनी फिटनेस पे, अपनी फिटनेस, अपनी नॉलेज, आपकी ऑलराउंड पर्सनैलिटी आप अपने उसके ऊपर ग्रूम करिए। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पेजेंट में आप अपने आपको प्रिपेयर करने के लिए। आपको एक्सपोजर होना चाहिए सोसाइटी का, आपको जान पहचान होनी चाहिए सोसाइटी के बारे में। जी, तो उसकी रूट लाइन क्या है यहाँ तक पहुँचने के लिए, कोई भी जाना चाहे तो क्या कैसे जाए। अगर कोई जाना चाहता है मिसेज इंडिया में तो मैं उनसे कहूंगी कि आप पहले तो अपना रजिस्टर पेज, अपने आप को रजिस्टर करिए उस पेजेंट के लिए। रजिस्टर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, आजकल ऑनलाइन चल रहा है हर चीज, तो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका पैनल बेस्ड होता है। इंटरव्यू होने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आप फाइनलिस्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप इंटरव्यू में नहीं सिलेक्ट हुए, बिकॉज बहुत सारे लोग, मतलब वेन एवर एनी पेजेंट इज लॉन्च्ड तो मैनी पीपल जनरली रजिस्टर फॉर देयर, नियर अबाउट यू नो थाउजेंड्स पीपल रजिस्टर फ्रॉम वन स्टेट, तो उसमें से हर स्टेट से मैक्सिमम 1 या 2 ही आप आगे जाता है।
तो आप उसमें रजिस्टर करिए, इफ यू गेट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू देन यू आर फाइनलिस्ट एंड उसका यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. आपको गाइडलाइंस मिलती हैं पेजेंट्स की तरफ से कि आपको किस बेस लाइन के ऊपर प्रिपेयर करना है, कि आपने किस तरीके से आपने उसमें वॉक की प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्वेश्चन आंसर्स के. कितने राउंड करना पड़े आप लोगों को? हमारे राउंड टोटल 3 राउंड थे हमारे. तो उसमें जो सबसे पहले हमारे शूट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मॉर्निंग से शेड्यूल अलग होता है आपका, फिटनेस सेशंस होते हैं, और फिनाले पे हमारे 2 राउंड हुए थे, ट्रेडिशनल एंड गाउन राउंड, जिसमें ट्रेडिशनल राउंड में हमारी नॉर्मल वॉक थी, उसके बाद फिर गाउन राउंड में हमारे क्वेश्चन थे, और उसमें से शॉर्टलिस्ट में थे हम लोग 8 कंटेस्टेंट आउट ऑफ 20 में से 8, और एज वी हैड 2 कैटेगरीज तो उसमें से 8 क्लासिक प्लैटिनम, क्लासिक एंड प्लैटिनम. क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, क्लासिक एंड प्लैटिनम बिकॉज एज इज नो बार टू लिव योर ड्रीम. तो प्लैटिनम में जो गर्ल्स थी, क्योंकि आप मिस इंडिया के लिए जब जाते हो, यू हैव टू बी मिस. अब उसके बाद अगर किसी लड़की की शादी 19 साल 20 साल में कर ली है उसने शादी, अगर वो करना चाहती है वो मिस इंडिया में नहीं जा सकती, बट शी कैन ऑलवेज अप्लाई इन मिसेज इंडिया. तो वो एक कैटेगरी है, तो वहां से कैटेगरी 35 ईयर्स तक की कैटेगरी जो होती है वो प्लैटिनम रखी थी, और उसके बाद 35 ऑनवर्ड्स जो कैटेगरी थी दैट वॉज द क्लासिक कैटेगरी. कॉस्ट्यूम का भी रहा इसमें? हाँ जी, कॉस्ट्यूम हमारी चॉइस नहीं थी, स्पॉन्सर्ड कॉस्ट्यूम्स थे, वो बहुत अच्छी चीज थी, और कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे हमारे. कॉस्ट्यूम हमारे स्पॉन्सर्स थे, हमारे डायरेक्टर्स ने हमारे स्पॉन्सर के थे, मेकअप स्पॉन्सर्स था हमारा, तो वो सारे हमारे को वहीं से मिलते. ऐसा नहीं कि कोई चॉइस है कि कोई पंजाबी पहन रहा है, कोई राजस्थानी पहन रहा है, कोई. हाँ जी, वो आपको मौका दिया जाता है टैलेंट राउंड में, आप जहाँ पे आप अपने स्टेट को एक्सपोज करते हो, आप अपने स्टेट के बारे में बताना चाहते हो, आप अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हो, वहाँ पे कई लोगों ने हिमाचल के बारे में, अपने कल्चर के बारे में दिखाया, कईयों ने पंजाब दिखाया, तो इस तरीके से टैलेंट दिखाया जाता है. जी, आपने क्या चॉइस पे देते हैं या फिर वो कोई भी हो सकता है? यविन जी, आप कोई भी टैलेंट दिखा सकते हैं, जो भी आपका टैलेंट है, आप पोएट्री हो सकता है, डांस हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, हेयर कट हो सकता है, ड्रेसिंग हो सकता है. टैलेंट जितना मतलब कह सकते हैं किसी इंसान में कोई भी चीज है जिसको वो दिखाना चाहता है कि मुझ में ये टैलेंट है, दुनिया के सामने लाना चाहता है, वो दिखा सकता है. आपने क्या? मैंने चूज किया था क्योंकि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, तो मैंने एक्टिंग एंड पोइट्री की थी, जो कि स्टार्टिंग विद एक्टिंग था और खत्म मैंने पोइट्री में किया था विद अ मैसेज. पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को लेकर किया था? जी हाँ, मैंने किया था निर्भया केस के ऊपर. मैंने सेंसिटिव इश्यू इसलिए पकड़ा था बिकॉज आई एम इन द मिसेज इंडिया, तो मैं चाह रही थी कि एक मैसेज जाए लोगों तक कि समझें कि लड़कियों को रोकने से उनकी उड़ान को रोकना इतना आसान नहीं है, उनकी उड़ानें भरनी है तो भरेंगी. तो उसी को लेकर मैंने 2 लाइनें पोएट्री एंड थोड़ी सी वो स्किप की थी. इसमें कोई ना कोई टाइटल स्टेट का जीतना जरूरी है, तभी आप मिसेज इंडिया तक पहुंच सकते हैं. नहीं, अगर आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, आप स्टेट का टाइटल जीत के जाते हो तो आपको बेनिफिट है, बिकॉज जल्दी आप कहते हैं ना क्लास 1 अगर पढ़ के आप क्लास 2 में जाओगे तो क्लास 1 की वजह से आपको क्लास 2 जल्दी समझ आती है. तो सेम वही है, अगर आप स्टेट विनर करके जा रहे हो तो आई थिंक आपको वहां की चीजें जल्दी समझ आएंगी, ग्रूमिंग सेशंस के बारे में आप ज्यादा समझ पाओगे वहां के, तो वो चीज ज्यादा बेटर हो जाती है. अगर आप स्टेट विनर होके जाते हो तो आपको थोड़ा हेल्प ज्यादा मिलती है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मिलती है. उसके आई थिंक कुछ बोनस मार्क्स भी होंगे एक तरह से, मतलब जो जूरी मेंबर्स होते हैं उनको ख्याल होता है कि हाँ पहले किसी पिजन को ये फाइट किया है इन्होंने, ऐसा कुछ रहता है? देखिए, आपने पहले क्या किया है वो उस टाइम पे नहीं मायने रखता, लेकिन हाँ इस चीज का हर चीज में मायने जरूर रखता है कि आप वहां पर आप रियल हो कि नहीं हो, क्योंकि आपकी रियलिटी में रहने में बहुत जरूरी होता है. वहां पे आप आर्टिफिशियल तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, और आपके हर चीज के मार्क्स होते हैं, हर चीज के, आपके उठने बैठने खाने पीने सोने बोलने और टाइम मैनेजमेंट इतना बड़ा रोल है. आई थिंक कोई नहीं जानता कि ब्यूटी पेजेंट में टाइम मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल है. तो मेरे को लगता है ये सबसे बेस्ट चीज है जो ब्यूटी पेजेंट में, अगर किसी लेडी में टाइम मैनेजमेंट है तो आई थिंक सभी लेडीज में होता है ये, घर में हस्बैंड को भेजने से लेके खुद काम करने तक मुझे लगता है सभी लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है ब्यूटी पेजेंट्स में, एंड ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है. टाइम मैनेजमेंट तो एवरीवेयर. यस, इट इज एवरीवेयर, बिल्कुल, उसके बिना काम भी नहीं चल सकता. कितने दिन का सफर रहा आप लोगों का ये स्टूडेंट के लिए? सफर योगीन जी मेरा 4 दिन का था. फर्स्ट को हमारा फिनाले था, हम 29 को मॉर्निंग से हमारे सेशन हुए थे, वेलकम सेशन से हमारा शुरू हुआ था. वेलकम सेशन हमारे डायरेक्टर्स और प्रशांत सर एंड स्वाति मैम ने किया था, उसके बाद हमारे मेंटर्स थे हरप्रीत मैम, खुश मैम,
तो हमारे मेंटर्स के थ्रू हमारा वेलकम होने के बाद फिर हमारे सेशंस पे फ्लैश सेरेमनी होती है, फिर आपके कोई आपको गाइड किया जाता है व्हाट यू हैव टू डू, पूरा प्लान दिया जाता है आपको थ्रू आउट 4 डेज की जर्नी का कि हाउ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर दी 4 डेज। इसके कुछ चार्जेस फीस वगैरह कुछ लेते हैं लोग? देखिए फीस जो होती है जनरली जैसे आप रजिस्टर तो आपको हर जगह ही करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस हर जगह होती है, तो रजिस्ट्रेशन फीस होती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस होने के बाद आप अपना आप रजिस्टर कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन फीस में आपको बता दिया जाता है। उसके बाद आपका जो ड्रेसेस होती है, मेकअप होता है, स्पॉन्सर होता है, खाना पीना आपका स्पॉन्सर होता है, उसके फिर पैसे नहीं लगते। फिर उसके क्या चार्जेस लेते हैं लोग? ये डिपेंड करता है एजेंसी, कहीं पर अलग रहते हैं किसी के, हर पेजेंट टू पेजेंट डिफरेंट रहता है। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा उस हिसाब से आपको अब प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप जा रहे हो ऑब्वियसली आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बन के निकल के आती है बाहर, तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से रही है। तो कुछ विशेष टिप्स दिए उन्होंने, हाँ जी रखना चाहिए? हाँ जी उन्होंने बताया है। एक सबसे पहली बात है, मुझे लगता है उनसे सभी को सीखना, मिस वर्ल्ड रही थी हमारी, तो काफी अच्छी चीज है उन्होंने बताया कि अगर अपने ड्रीम्स हैं तो वन शुड लिव योर ड्रीम, ड्रीम को नहीं छोड़ना चाहिए। कि अगर ड्रीम है, अगर आप में पैशन है उस चीज को करने का, फिर आई थिंक एज इज नो बार, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको एज कभी हिंडर कर सकती है। मैं खुद भी बाई प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट हूँ फॉर 11 ईयर्स, उसके अलावा मेरा ये पैशन है जिसको मैं परस्यू कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी 2 स्टेट विनिंग कर चुकी हूँ टाइटल, दिस इज माई 3rd टाइटल, तो मुझे नहीं लगता, मेरा खुद का भी घर है, मेरी फैमिली है, बट आई बिलीव टाइम मैनेजमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नीतू जी, ये अचानक भी क्या या पहले से ही आपकी हॉबी थी कि मुझे किसी पेजेंट में जाना है? योगेन जी देखिए, पैशन तो था, बहुत पहले से पैशन था, जब छोटी थी तब से पैशन था, किया पार्टिसिपेट कई बार, कुछ रिस्ट्रिक्शंस मैंने अनमैरिड होते हुए, मुझे लगता ज्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम थी करने में, मैरिड होने के बाद मुझे फैमिली का सपोर्ट बहुत है तो मैं उस सपोर्ट के साथ कर पाई हूँ। एंड मेरा पेजेंट करने का जो ड्रीम था मैं बचपन से चाह रही थी, फाइनली इट गॉट फुलफिल्ड। जी चलिए नीतू जी, आप हमारे साथ बनी रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं मिसेस इंडिया 1 in a Million बैनर से जीती हैं नीतू भट्ट जी। नीतू जी, जैसे मैं पूछ रहा था आपसे ब्रेक से पहले कि एक हॉबी होती है, और मैं कहूंगा कि आप काफी लक्की भी हैं कि आपके इन लॉज ने आपको काफी कॉपरेट किया, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी बात होती है। और जो मैं अब तक सुनता हूँ, जो पिजेंट्स जीत के आती हैं, गर्ल्स लेडीज जो भी, उनका ये कहना होता है कि मैरिज के पहले ये मान के चलते हैं कि हम कोई ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद लगता है कि रास्ते बंद। लेकिन ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि नहीं, आपकी अगर उड़ान भरने की क्षमताएं हैं तो आसमान खुला है। तो ये मुझे लग रहा है वही एक तरह का प्लेटफॉर्म है। और बहुत सारे ऐसी कुछ बातें होती हैं किसी से कि इच्छाएं तो बहुत लोगों की होती हैं लेकिन जा नहीं पाती हैं। सही बात है योगेन जी, आप मानेंगे नहीं, जब मैंने फर्स्ट प्लेटफॉर्म को चूज किया था, जब मैंने शुरू की थी, इसकी शुरुआत जोधपुर से ही हुई है, और जब मैंने किया तब उसमें आप मानेंगे ऐसी ऐसी महिलाएं थी जो घर में कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी, उन्होंने पहली बार रैंप वॉक की थी। और जब मैं आज 1 in a Million की विनर हूँ, इसमें भी इतने सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो कभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, आज वो अकेले दिल्ली आए, दिल्ली में आके उन्होंने अपना पेजेंट किया, एंड उन्होंने वो कॉन्फिडेंस लेवल, जब वो आए थे और जब वो गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो देखते ही बनता था। कितने लोगों ने माइक पे खड़े होकर बोलने के लिए, आई थिंक ये सब बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है बोलने के लिए, कि मैं माइक पे पहले बोल नहीं पाती थी, आज मैं आपके सामने माइक पे बोल रही हूँ। ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं जो बोलते हैं कि हमने इतनी ग्रूमिंग हो जाती है 4 दिन में 5 दिन में कि आप इतना कॉन्फिडेंस गेन कर जाते हो उस रैंप पे चल के कि मैं माइक पे बोल सकती हूँ। और जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो, मुझे लगता है आपके बच्चे आपको एक इंस्पिरेशन मानने लग जाते हैं। और हर्डल्स शादी से पहले मैक्सिमम मैंने देखा लड़कियों को रहते हैं, बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो जा पाती हैं, कह लो बड़ी सिटीज की जा पाती हैं, छोटी सिटीज की नहीं भी जा पाती हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां पर मुझे लगता है आप शादी के बाद अपने ड्रीम्स को कंटिन्यू कर सकते हो, आराम से आप एस्पायर कर सकते हो जो आप बनना चाहते हो। कोई रूरल बेल्ट से भी रहा वहाँ पार्टिसिपेंट, जिससे सुना हो कि हाँ वहाँ से कोई लोग? मैं कहूँ हमारे काफी यहाँ से जो अपने जोधपुर के पास से जगह है, वहां से भी एक कंटेस्टेंट थी, काफी गाउंट वाला एरिया है, वहां से आए थे। लेकिन जो उसका जो ग्रूमिंग था, उसने जो ग्रूमिंग वहां ली है, उसके बाद जब वो रैंप पे उसने वॉक करी है, योगेन जी आप मानिए देखते ही बनता था।
चार दिन में एक बंदे में इतना परिवर्तन आ सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें वो पैशन था, वो ड्रीम था, उसने उसको चीज को किया। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी औरत चाहे, अगर उसको लगता है, अगर मैं ये नहीं कहती आप ग्लैमर वर्ल्ड में आइए, आप किसी भी पैशन को, अगर आपको जो पैशन है, भले ही वो खाना बनाने का पैशन है, आप उसे करिए, आप बहुत अच्छी उड़ान भर सकते हैं। और आप कोई भी वो नहीं है लिमिट, थोड़ी अपनी हिच को हटाने की जरूरत है। जी नीतू जी, नेक्स्ट नेक्स्ट योगेंद्र जी, देखिए अभी शुरुआत हुई है, अब आगे मौका दिया है, इस पेजेंट ने भी आगे मौका दिया है, टॉप मॉडल से लोग रजिस्टर्ड हैं इंडिया टॉप इंटरनेशनल जाने के लिए। तो आई थिंक लेट्स सी आगे क्या जाता है, आगे जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट मिसेज वर्ल्ड के लिए, हाँ पक्का पक्का जाएंगे जी। हाँ तो उसका पता क्या आपने कि यहाँ कहाँ इंडिया से कितने लोग रिप्रेजेंट कर? देखिए ये अभी क्योंकि कोविड टाइम में अभी चीजें एकदम थोड़ा सा चल रहा है, पैंडेमिक इस वजह से है। यस हर पेजेंट आपके स्टेट से जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया से एक या दो लोग ही होते हैं। तो ऑब्वियसली आई वुड लव टू रिप्रेजेंट माई कंट्री आउटसाइड द वर्ल्ड एंड मेक आर सेल्फ प्राउड दैट यस इंडिया इज ग्रेट। कोविड का असर देखने को मिला आप वाले पेजेंट पे भी? हाँ हमारे, मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे डायरेक्टर्स प्रशांत सर एंड स्वाति मैम बहुत ही अच्छे से जो मैनेज किया उन्होंने इस पेजेंट में, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजेशन हो, हर चीज, इट वाज अमेजिंगली मैनेज। क्योंकि इतने कम लोगों के साथ काम करना चल बहुत मुश्किल था एंड बहुत अच्छे से हमारा पेजेंट हुआ और अच्छे से हम लोगों ने किया, चीजें बहुत आराम से हो गई और प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए गए और हम सारे सेफ गए थे, सेफ वापस। क्राउड कंट्रोल भी किया गया होगा? हाँ जी, गेस्ट आते होंगे, लोग देखने भी आ जाते होंगे, कोई किसी के साथ भी आता होगा, तो उस लिहाज से काफी कंट्रोल रहा जी। योगेंद्र जी ये कह लीजिए एक तरीके से ग्लैमर इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा नुकसान सा हो जाता है कि हाँ। लोग नहीं आ पाते हैं देखने के लिए, अब जब लोग नहीं आएंगे तो ग्लैमर आधा तो कम ही हो जाता है। तो लोग नहीं थे ये बात है, क्योंकि हमारी सीमा नहीं थी लोगों को, क्योंकि हमारे को जो रूल्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम नहीं बुला सकते हैं, तो वो चीज़ फॉलो की गई, गाइडलाइंस पूरी फॉलो की गई, इसलिए लोग कम थे। एक आधा मेरे हस्बैंड जैसे थे और एक आधा बहुत कम लोग थे, जितने बोलने गए थे उसी हिसाब से लोग थे। एंड मीडिया के लोग भी काफ़ी ज़्यादा नहीं थे क्योंकि बुला नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे आई थिंक होगा, अब जैसे जैसे पैंडेमिक खत्म होगा सभी हर प्लेटफॉर्म को इसका नुकसान हो रहा है और निश्चित रूप से फेस भी करना पड़ रहा है। नीतू जी यहाँ एक मेरा सवाल होगा कि कुछ चीजें आपने बताई हैं कि अभी परिस्थितियां बहुत सारी बदल गई हैं, महिलाओं को लेकर के काफी सवाल भी उठ रहे हैं और उनके राइट्स को लेकर के भी हम भी कई बार प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं कि अपराध हो चाहे महिलाओं को भी बराबर का दर्जा हो, ऐसी कुछ चीजों को लेकर के भी वहां कुछ टिप्स दिए जाते हैं कि नहीं आपको बराबरी का अधिकार भी है और हमें एटलीस्ट ये भी करना चाहिए कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, महिलाओं के लिए कुछ कर सकें, तो इस तरह की कुछ चीजें आती हैं सामने? देखिए जब आप पेशेंट में होते हैं तो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट है, वहां पे जब आपके जब ग्रूमिंग सेशंस होते हैं तो उसमें आपको ग्रूम करने के लिए डिफरेंट पीपल यूज टू कम, तो जब वो लोग आते हैं आपको ग्रूम करने के लिए तो उनमें से हर फील्ड के लोग आते हैं जी, भले वो मेकअप इंडस्ट्री से होंगे, फिर वो खाने मतलब फूड से रिलेटेड भी आपको बताने आएंगे, ये नहीं कि सिर्फ आपको खाने मतलब ब्यूटी टिप्स ही सारे लोग दे रहे हैं, नहीं आपको बताया जाता है, आपको हर तरीके की टिप्स दी जाती है वहाँ पे। और रही बात विमेन्स को एम्पावर करने की, आई थिंक ये प्लेटफॉर्म ही इसीलिए क्रिएट किया गया है कि विमेन गेट एम्पावर्ड, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक जरिया है जहाँ से आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको जानते हैं और उसके बाद फिर आपको लोग पहचान के, आई थिंक इनमें से कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आगे गई हैं और जाके काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो वहां पे ये चीज हमें बताई जाती है और ये मोटिवेशन दिया जाता है कि यू हैव टू लिव योर ड्रीम, यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू आर नन लेस देन एनीवन। तो ये चीज हमें हमेशा, बिकॉज वहां तक पहुंचना इटसेल्फ इज अ बिग डील। ऐसा कुछ ही नहीं बताते हैं कि हम विमेन्स के राइट्स के लिए उनको लीगल एडवाइस देने के लिए या फिर स्लम एरिया में कुछ काम करने के लिए? हाँ, सोशल वर्कर योगेंद्र जी, हम लोग सोशल वर्क के साथ तो एसोसिएट होते ही हैं, कोई भी पेजेंट है उसमें लड़कियां जो भी आती हैं कोई ना कोई, अब उसमें डॉक्टर थी, एक डॉक्टर रश्मि गोयल जी थी, वो भी थी, वो भी सोशल वर्क कर रही थी। अब जैसे मैं हूँ, मैं भी सोशल वर्क करती हूँ, मैं भी नो प्लास्टिक के साथ एसोसिएटेड हूँ, मेरा काफी टाइम से प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं उसको रेगुलरली चला रही हूँ। तो हम जो ये चीजें एनवायरमेंट से रिलेटेड हों, फिर चाहे वो गर्ल अब्यूज से रिलेटेड हों, फिर चाहे वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हों, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से हम लोग सोशल वर्क हर किसी हम लोग रिलेटेड हैं,
हम लोग कर रहे हैं और ये चीज इंकरेज की जाती है पेजेंट्स में कि आपको ये करना चाहिए. यू मस्ट हेल्प दिस सोसाइटी एज अ पर्सन व्हेन यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म, व्हेन यू आर इन न स्टेज की आप सोसाइटी को कुछ दे सकते हो तो यू मस्ट डू इट. तो जी ग्लैमर को लेकर के काफी सवाल भी उठते हैं कि ग्लैमर की दुनिया एक अलग दुनिया है, चकाचौंध वाली लाइफ है और आम परिवार उसको सहन नहीं कर पाते हैं या फिर उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है, ऐसा कभी लगता है? देखिए ये बात है क्योंकि अभी सोच में परिवर्तन आना शुरू हुआ है, सोच बदलते बदलते बदलेगी, लेकिन ये जरूर है कि ग्लैमर को लेकर लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन भी है क्योंकि हर चीज जो दिखती है वैसी होती नहीं है और जो चीज कई बार दिख नहीं पाती और वैसी पीछे होती है. तो ग्लैमर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप गए और आपने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी है या आप ऐसे रहेंगे, आप अपना बॉडी शो करेंगे तो आप ग्लैमर में हैं. नो, ये चीज हमें पहले दिन ही हमें क्लियर कर दी जाती है कि अगर आप अच्छे ड्रेसेस पहन रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन रहे हो या आप बहुत खूबसूरत हो आप विनर बनोगे. नहीं, ये मिसकंसेप्शन तो पहले दिन ही हटा दिया जाता है दिमाग से. तो ये चीज तो है ही नहीं. और ग्लैमर को लेके ये अभी सोच बदलते बदलते लोगों की बदलेगी कि ग्लैमर का मतलब ये नहीं होता. ग्लैमर का मतलब इंपायरिंग भी हो सकता है. कुछ हॉबीज बताएंगे आपको कि हाँ मुझे ये पसंद है? हाँ, मुझे देखिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गार्डनिंग, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट्स करना बहुत पसंद है. इसके अलावा मैं इंटीरियर डिजाइनिंग भी करती हूँ. जोधपुर से ताल्लुक रखती हैं तो कुछ खाने पीने का शौक? जोधपुर के तो मिर्ची बड़े सबको ही पता है, बहुत ही फेमस है. तो यस, खाने पीने का शौक है, कुकिंग मेरे को, बेकिंग का बहुत शौक है, मैं बेकिंग भी बहुत करती हूँ. नीतू जी, लेकिन जोधपुर तो आप एक पार्ट टाइम के लिए हैं वहाँ पे हस्बैंड के साथ में, जो जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई वहीं पे. थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे, हालांकि आप दूसरी बार दर्शकों से रूबरू हो रही हैं. योगेन जी देखिए, मेरा फैमिली बैकग्राउंड फुल आर्मी है. मेरे डैड जो है वो आर्मी में कर्नल, रिटायर्ड कर्नल है और अभी ग्रेटर नोएडा में सेटल्ड है. और जो मेरे हस्बैंड है इज ऑल्सो लेफ्टिनेंट कर्नल इन द आर्मी एंड अभी वो जोधपुर में पोस्टेड है. और मेरा जो मेरा बेटा है वो वहीं पर जोधपुर में पढ़ रहा है और मैं पिछले 11 ईयर से एजुकेशनिस्ट हूँ. तो उसके साथ से मेरा जो नो इनिशिएटिव क्लासिक का इनिशिएटिव है वो चल रहा है. आपके लिए तो बड़े एक वो भी मतलब एक लाइफ को बड़े चैलेंज लिए आपने, आपकी मैरिज भी आपने जैसे बताया जी, कि जी, जी, हाँ. आपके इंटरकास्ट मैरिज की आपने, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं रही? लगन जी नहीं, मैं सच बोलूं तो पता नहीं, आप कहते हैं कि आप अपने कर्म करते रहो सब चीजें अपने आप से ठीक हो जाती हैं. आई थिंक मुझे इस चीज पे बहुत बिलीव है, अगर आप अपना हार्डवर्क कर रहे हो, अपने डिटर्मिनेशन से काम कर रहे हो, सब चीजें ठीक हो जाती है. मैरिज में सच कुछ हर्डल्स नहीं थे. यस, हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, ये पंडित है और मैं राजपूत हूँ. तो ये गुजरात से हैं और हम राजस्थान के हैं तो उसका फर्क भी पड़ता है, लेकिन ठीक है. थोड़े बैरियर्स मुझे लगता है, जितने कल्चर इंडिया में इतने कल्चर हैं, उतनी वैरायटी है, उतने अच्छे लोग भी हैं. तो सब नीतू जी कुछ पॉलिटिक्स को लेके कहना चाहेंगे? हाँ जी, पॉलिटिक्स को लेके मैं जरूर कहूंगी कि जो पॉलिटिक्स है ये आज के टाइम में जो चेंज आ रहा है पॉलिटिक्स में, जो पहले नहीं देखने को मिला. बहुत समय तक ये था कि ना ये होता था कि लोगों को समझ नहीं आता था कि किसको वोट देना चाहिए. आज की जो जनता है ना वो बहुत जागरूक है, उसे पता है कि आप हमें लैपटॉप देके या आप कुछ हमें चीजें देके खरीद नहीं सकते. उन्हें पता है कि विकास क्या होता है जब से. लेकिन ये बढ़ गया अब. हाँ. लोगों को लुभाने का जो तरीका है कि हम ये देंगे हम वो देंगे जी, जी, जी. और इसका असर होता है पब्लिक पे, सतोल के फिर वोट डालते हैं. देखिए एक तो दो तरीके से जनता है वो वोट करती है. अगर मैं भी वोट करती हूँ तो मेरे दिमाग में होता है कि ठीक है आपने अभी बोला, आप इससे पहले आए हो कि नहीं आए हो, आप अभी जो बोल रहे हो क्या आपने जो पिछले साल बोला था उसमें से आपका कितना टारगेट आपने पूरा कर दिया है. वो चीज बहुत मायने रखती है अगर आपको किसी चुनाव में आगे जीतना है. मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है ये कि जनता, मुझे लगता है आज की जनता में काफी चेंज है. पहले जैसा मुझे नहीं नजर आ रहा. मेरे साथ के जितने लोग हैं और जितने लोगों से मेरा मिलना जुलना है, मैंने ये बात बहुत नोटिस की है कि पिछले साल आपने या पिछले 4 साल में 5 साल में आपने क्या काम किया है जनता के लिए, वो देख के जनता जागरूक होकर वोट करती है. अब लुभाने वाला टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है. कभी अवसर मिला तो जाएंगे अब राजनीति में? मुझे अगर अवसर मिला तो राजनीति में जाने का तो मैं, ये तो समय के हिसाब से है. अगर समय बुलाएगा तो देखा जाएगा. एक आखिरी सवाल है मेरा, गर्ल्स को लेकर के मैं जानना चाहूंगा. जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, चाहे राज्य कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं, एक राजनीति का मुद्दा जरूर रहता है ये, लेकिन
हालात सभी जगह पे एक जैसे हैं कि बच्चियों को किस तरह से एक जो सोच एक समाज में बनती जा रही है, फांसी की सजा का प्रावधान करने के बावजूद भी माइनर हो चाहे किसी भी एज ग्रुप की हो, लड़की महिला, और उसको शिकार बना दिया जाता है और दरिंदगी की हदें जो हैं वो पार हो रही, तो ऐसे कुछ केसेस पे कुछ अच्छा करते हैं कि हाँ हमें किस तरह से इससे बाहर लाना चाहिए, कैसे सोच बदले? देखिए, ये जो समाज में जो सोच चल रही है ये सोच काफी पुरानी है, काफी समय से चल रही है, लेकिन अगर आप देखें पीछे, बहुत पीछे से अगर देखें, चाहे जोधा अकबर जी के टाइम से देखें, लक्ष्मीबाई जी के टाइम, हर बार किसी ना किसी को प्रूफ करना पड़ा है कि नहीं हम इतने आपसे, मतलब आपके बराबर हैं, आपसे कम नहीं है, आपसे ज्यादा नहीं, हम आपके बराबर हैं। लेकिन इस चीज को प्रूव करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, ये सोच की प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है अगर इंसान ये सोचे कि अगर वाइफ घर में है और अगर वो खाना बना के टाइम से नहीं दे तो मुझे नहीं लगता कि हम में से आधे लोग टाइम से घर से ऑफिस पहुंच पाएंगे। तो बराबर हैं हम, अगर हमारा रोल अंडरस्टैंडिंग की बात है, परसेप्शन की बात है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसके बाद भी जो ये जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें और साक्षर होके और उस चीज को समझ के और जो लड़कियों को आत्मनिर्भर होके चलना है और डिटर्मिनेशन के साथ चलना है कि कुछ भी हो हमें अपना ड्रीम पूरा करना है, हमने करना है और हम किसी से कम नहीं है, इस चीज को हमें मान लेना है। और यही सोच हमें, अगर आपका बच्चा है, आज मेरा बेटा है, तो मैं अपने बेटे में आज ही डालूंगी, तभी कल समाज पर में परिवर्तन आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और दर्शकों का भी। एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।